बॉलीवुड के दबंग खान का नाम आते ही लोगों के जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है सलमान खान का। सलमान खान जिसके बिना ये बॉलीवुड बिल्कुल अधूरा सा है। सलमान एक ऐसे एक्टर हैं जो बॉक्स ऑफिस में अपनी मूवी के हिट होने का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने फैंस को ही अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताते हैं। वहीं बात करें सलमान की अपकमिंग मूवीज की तो आपको बता दें कि सलमान अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर सिनेमाघरों के दरवाजों पर जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। यूं तो सलमान की इस फिल्म की चर्चा बहुत पहले से हो रही थी लेकिन रिलीज डेट सामने आने के बाद लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए बताते हैं आपको इस फिल्म की फाइनल रिलीज डेट के बारे में। कोरोना वायरस महामारी के चलते बहुत सी फिल्मों की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। उन्हीं में से एक फिल्म कभी ईद कभी दिवाली भी थी लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो निर्देशकों ने फिल्मों पर काम करना फिर से शुरू कर दिया है। अब सलमान के फैंस को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि उनके फेवरेट एक्टर की फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। बताया जा रहा है कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला ने अपनी अपकमिंग सोशल कॉमेडी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को 30 दिसंबर 2022 के दिन लाने का फैसला किया है। लेकिन खास बात तो ये है कि फैंस के लिए ये डबल सेलिब्रेशन का मौका होगा क्योंकि फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले ही सलमान खान का बर्थडे जो है, जी हाँ, उनके फैंस के लिए सेलिब्रेशन का दिन होता है। खबरों में बताया जा रहा है कि अपकमिंग मूवी कभी ईद कभी दिवाली की कहानी सलमान खान और साजिद के दिल के बहुत करीब है। फैंस को बता दें कि ये कहानी खुद साजिद नाडियाडवाला की है और वो सलमान के साथ मिलकर कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, एक्शन और सोशल मैसेज को इस फिल्म की कहानी के जरिए दर्शकों के सामने लाने चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि वो इस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। वहीं बात करें इस फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में तो बता दें कि इस फिल्म में सलमान के साथ पहली बार एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ऑन स्क्रीन रोमांस करती नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में साउथ सुपरस्टार वेंकटेश भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वैसे सलमान और पूजा की इस जोड़ी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसी के साथ फैंस फिल्म को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं। एंटरटेनमेंट स्पाइसेस में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।